नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, तो आज भी मैं आपके लिए न्यू इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ बैंड पार्टी की, और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये यूनिक है, ठीक है, बहुत ही यूनिक है। तो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि इसमें क्या इतना यूनिक है जो कि इन्फॉर्मेशन लेके आ गया, ठीक है। लेकिन एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया, नीचे लाल बटन दिख रहा होगा उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में आपको बेल आइकन मिल रहा होगा उसके ऊपर क्लिक करके ऑल बटन के ऊपर क्लिक कर लीजिए। और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए जल्दी जल्दी इस वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि प्रोग्राम यूनिक है, लेकिन कौन सी चीज का यूनिक प्रोग्राम है, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं जल्दी से जल्दी। तो शुभ्रा 3 का प्रोग्राम है, सारवट गांव में, तालुका नवापुर, डिस्ट है नंदुरबार, और 4 फरवरी 2024 को, ठीक है। तो 4 फरवरी, इतना ही नहीं, यूनिक क्या है, 3 का तो प्रोग्राम पहले ही है, पता है, मैंने पहले भी लिस्ट डाली हुई है, ठीक है, 3 का प्रोग्राम सारवट में है इस तरह से, लेकिन यूनिक क्या है ये आप सोच में पड़ गए होंगे। लेकिन यूनिक ये चीज है कि शुभराज जो बैंड है, यानी सारवट गांव है, वहां पर शुभराज 1 और 3 दोनों एक साथ होने वाली है सारवट गांव में। तो ये यूनिक बात है, ये उनके लिए यूनिक बात है जो यूट्यूबर हैं, उनके लिए, जिसकी छोटी छोटी चैनल है उनके लिए ये यूनिक बात है। अगर आप सारवट गांव के आसपास में रहते हैं तो आ सकते हैं दोनों बैंड देखने के लिए, ठीक है। दोनों बैंड यानी शुभराज 1 और शुभराज 3, ये दोनों बैंड एक साथ होने वाली है एक ही मंडप में, ठीक है। अभी मुझे ये तो नहीं पता हुआ है कि दोनों साथ में बजेगी या फिर पहले थ्री बैंड बजेगी और बाद में 1 बैंड बजेगी, या फिर पहले 1 बजाएंगे या फिर बाद में 3 बजाएंगे, ये मुझे पता नहीं है, या फिर दोनों साथ में बजाएंगे ये मुझे पता नहीं है, लेकिन 2 बैंड होने वाली है इतना तो मुझे जरूर पता है और ये कॉन्फर्म पता है, ठीक है। तो सारवट गांव के आसपास में रहते हैं तो दोनों बैंड देखने के लिए आ सकते हैं और दोनों बैंड के साथ इंजॉय कर सकते हैं, और यूट्यूबरों के लिए ये बहुत ही बड़ा मौका हो सकता है क्योंकि दोनों बैंड एक मंडप में है, तो ये एक यूनिक परफॉर्मेंस हो जाता है। और आपको तो पता है शुभराज के जो ठिंगरी वाले हैं वो कुछ नया ही कुछ करते हैं, अभी जो पिछला प्रोग्राम हुआ वहां पर एक नया टाइटल बनाया और इतना जोरदार टाइटल हुआ, मैंने भी वीडियो में देखा था, मैं भी उनके साथ नहीं गया था ऑफिशियल चैनल चलाने के लिए, थोड़ा सा मेरा भी तबियत डाउन था इसलिए नहीं गया था, लेकिन मुझे काफी बढ़िया टाइटल लगा और उनका जो ठिंगरी वालों का जो परफॉर्मेंस है वो यूनिक होता जा रहा है और काफी तगड़ा परफॉर्मेंस अभी दे रहे हैं। तो हमें सारवट में कुछ यूनिक ही देखने को मिलेगा इतनी तो उम्मीद है, और दोनों बैंड एक साथ होगी तो बहुत ही बड़ी एक ग्रेट न्यूज बन जाती है हमारी। तो यही इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला था। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसी खास इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ फिर से मिलने वाले हैं। थैंक यू।